हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, हम सब इंसानों को हमेशा से भूत प्रेत आत्मा इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, और इसी की वजह से इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स फेमस हैं जो दावा करते हैं कि वो सच में हमें भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ों से मिलवा देंगे। और उन रिचुअल्स को जब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ट्राई किया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये रिचुअल्स सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और इनको करने से सच में हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती हैं। पर पता नहीं मुझे क्यों ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बकवास लगती हैं, इसीलिए आज मैं खुद ये सारे रिचुअल्स ट्राई करके देखूंगा कि ये सच में काम करते हैं या नहीं। तो हमारी जो असिस्टेंट है निशु, जिसको भूत प्रेत में एक्सपर्ट भी आप कह सकते हो, आप ड्रेस देख सकते हो, उससे पता लग रहा है कि भूतों में इसका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बचपन में तो खैर ये छोटे बच्चों को डराती भी थी, रात को चुड़ैल बन के मेकअप उतार के जाना पड़ता था इसको बस। तो निशु ने चार ऐसे फेमस रिचुअल्स निकाले हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा फेमस है और सब लोग दावा करते हैं कि ये जो वाले जो रिचुअल इनको करने से तो पक्का पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है। हाँ भाई, और ये हमने खुद भी देखे हैं, तो मजाक में मत ले इन्हें चीजों को। तूने देखे मतलब YouTube पे देखे हैं ना? मुझे लगा इनका खानदानी काम है भूत प्रेतों से बात करना। तुम वो तो भी काला जादू करते हो। पागल है क्या? मुझ पर काला जादू कर रखा है ना? खुद ही एक काला जादू है। जादू काट देना। गाइस देख लो, अभी रात के 12:13 हो रही। कभी आप सोचो मैं भैया आप तो भरी दोपहरी में कर रहे हो, भूत कहाँ जाएंगे? प्योर भूतों का टाइम है उनका, मतलब यूट्यूबर्स के हिसाब से और इन वेबसाइट के हिसाब से भूतों की ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। यस, है ना, वो ऑन ड्यूटी है, उनको ऑफिस टाइम है। बस ज्यादा मजाक मत उड़ा, एक आध अगर आ गया ना ऐसा भगता फिरेगा। नहीं होता कुछ भी, तू बता क्या क्या है एक्टिविटी। ठीक है, चेतावनी देते ना वो दे रही हूँ तेरे को स्टार्टिंग में। ये सारे रिचुअल्स जो भी मैं चारों लेकर आई हूँ ये बहुत खतरनाक है, और चौथा वाला तो भाई तू सोच भी नहीं सकता। क्या होता है इसमें? भूत आ जाते हैं। हंसना नहीं है यार। नहीं, ये चार रिचुअल्स इसने निकाले हैं जो कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा खतरनाक और फेमस है। तो गाइज, हमारा जो सबसे पहला रिचुअल है वो है ब्लडी मैरी रिचुअल। इसमें देख क्या करना होता है इसमें। ब्लडी मैरी? हाँ, ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी सीरियस होके बता। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। ब्लडी मैरी शादी करनी है? शादी नहीं करनी है। कौशिक, मजाक नहीं होती हर चीज यार। ठीक है, सीरियस ले रहा हूँ। सीरियसली सुन, इसमें ये ब्लडी मैरी रिचुअल है, इसमें तुझे एक मोमबत्ती लेके शीशे के सामने खड़े होना है। ओके, और 3 बार मोमबत्ती के साथ घूमना है और बोलना है ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी आर यू देयर, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी आर यू देयर, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी आर यू देयर। ये ब्लडी मैरी को टीचर थी पहले, पढ़ाती होगी, इतना बार बुलवा रही है। हर चीज ना मजाक नहीं होती। और अगर 3 बार में तेरे को कुछ फील नहीं हुआ तो तू ये रिचुअल परफॉर्म करेगा 13 बार। ठीक है, तुझे 13 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है, और जैसे ही तेरे 13 बार कंप्लीट हो जाएंगे तुझे शीशे में ब्लडी मैरी की परछाई दिखेगी। नहीं, सच्ची? मैं नहीं मानता, करके देख ले। तो दोस्तों, मैंने ब्लडी मैरी जी को बुलाने के लिए मोमबत्ती जो है जला ली है, 2 रुपए की वेस्टिंग कर दी है। यार कौशिक, यार मैं इसको, भाई देखो मैं इसे बाबा बोल रही हूँ, मैंने ये रिचुअल्स देखे और मुझे पता है कि ये कितने सीरियस होता है, और ये नाटक करे बिना मतलब, मैं मजाक मत करा कर हर चीज़। भाई यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं 24 साल का घोड़ा हूँ, साइंस से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, ये सब चीज़ों के चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूँ। बट ठीक है, इनको ट्राई करके इस जैसे लोगों की बुद्धि को खोलना भी जरूरी है। साइंस भी मानती है, साइंस भी मान रही है। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा। ये शीशा तो वाला है, लाइट वाला है। यार लाइट नहीं जलानी है, ऐसी बोलना है वो भी घूम। पर ये इस शीशे में जैसे लाइट वाइट का सिस्टम क्या पता, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भूत ना आते हो। दूसरे में करें, आ जाएंगे इसमें ब्लडी मैरी जी। ठीक है चलो, हट जाओ तुम, हट जाओ। ब्लडी मैरी आर यू देयर? नो, वो मोमबत्ती ऐसे हुई। चल अब सीरियसली होकर कर, क्या पता पता चले तू इंतजार कर रही है। अरे यार मेरी आवाज टाइट हो रही है, सीरियस हो। ब्लडी मैरी आर यू देयर मोमबत्ती बुझा दी, कह रही अब मैं आ गई हूँ।
कुछ ना कुछ और के डायरेक्ट आ जाएगी, हाँ चलो जी मैं हूँ ग्लेडी मेरी, ठुमके लगा देती हूँ, दो तीन बताइए क्या करना है। वो ऐसी तो इशारा देगी, मोमबत्ती बुझ गई चाहे शीशे में थोड़ा तड़कन आ जाती है, ऐसी तो इशारा करते हैं भूत। मजाक से ना हट के बताऊं, मोमबत्ती बुझना एक बहुत बड़ा साइन होता है, ठीक है? ये तो है, मोमबत्ती तो बुझी है, ये तो मैं मानता हूँ। मैंने पांचवी बार जैसे ब्लडी मैरी बोला, मोमबत्ती खुद बुझी। कोई नहीं, सारे रिचुअल्स करके देखते हैं, पता चल जाएगा। अगर हमें हिंट नहीं मिला चारों रिचुअल्स में, टोटल मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ ये भूत ने कर रहा है या खुद हवा की वजह से हो रहा है, तब मैं मानूंगा असली या नकली। अभी बढ़ते हैं अगले रिचुअल पे। अब जो हम दूसरा रिचुअल परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये पहले वाले से थोड़ा सा और खतरनाक है। okay. इसे बोलते हैं घोस्ट पेपर रिचुअल। घोस्ट भी पेपर वगैरह रख के घूमते हैं कौशिक, क्या मजाक मत। अच्छा घोस्ट पेपर, मतलब घोस्ट के पेपर आ रहे हैं। चले तू, ठीक है मैं सीरियस हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें भी तुझे एक कैंडल लेनी है। okay. और एक पेपर लेना है, ठीक है? और उस पेपर पे तुझे लिखना है, स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। ये सारे अंग्रेज भूत हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा देसी नहीं कि पापा जी अंदर आ जाओ काम चालू है। चाचू चाचू, ठीक है बहुत लंबी, पहले से बात ही बहुत लंबी, इसलिए मुझे दो तीन ट्यूशन लगेंगे इसे बुलाने में। यार तू मत कर कौशिक, ठीक है? ये सब रियल होता है या नहीं ये देखने के लिए ये सब चीजें मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में ये सब तरकीबें किसी को चाहिए। पर हाँ, एक तरकीब है जो हम सबको चाहिए, वो है बिना कुछ करे पैसे कमाने की। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं तुम्हें हनीगेन ऐप के बारे में बताता हूँ। हनीगेन एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके पैसे कमा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एयरबीएनबी पे अपना घर या फिर उबर में अपनी कार रेंट पर देना। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये तुम्हें अमीर बना देगी, पर हाँ तुम्हारे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई के सब्सक्रिप्शन का खर्चा आराम से निकल जाएगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि भैया हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये आपका कोई भी पर्सनल डेटा यूज नहीं करती है, ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए पब्लिक डेटा कलेक्ट करती है, ये देखने के लिए कि कौन सी वेबसाइट पर क्या डील या क्या ऑफर चल रहे हैं। आप हनीगेन को इजीली क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और अभी क्रिसमस का एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें मेरा कूपन कोड यूज करने पर आपको $60 डाउनलोड करते ही मिल जाएंगे। अब चाहे उससे YouTube प्रीमियम खरीदना है फिर अपनी बंदे का रिचार्ज करवाना, वो तुम्हारी मर्जी। तो सेकंड रिचुअल्स में गाइस हमें मोमबत्ती चाहिए थी, ये रही, एक पेन पेपर चाहिए था, ये रहा मार्कर। अब इस पे लिखना है हमें स्पिरिट ऑफ द डोर। अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो नहीं आएगा? हां मैं पूछ रहा हूं, लिख स्पिरिट ऑफ द डोर। ऑफ द डोर, हां ऐसी राइटिंग मिले कि समझ आ जाए। मेक योरसेल्फ प्रेजेंट, स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। देखो अजीब से वाणी, क्या पता तेरे अंदर आना चाह रहा हूँ। अब ये बताए पर्चा कितनी देर बाद निकालना है इससे। पता नहीं क्यों हर चीज को मजाक में लेते हैं, मतलब मेरे को कितनी घबराहट हो रही है, मेरे को अजीब अजीब आवाज जैसी आ रही है। तेरा एसिडिटी है, अब देखे निकालेंगे। देख तेरा पेपर फटा है साइड से। ये हाँ तो उसका डालने में फट गया हो। पे क्या बात कर रहा है कौशिक, सीधा डाला था तूने यार। तो तुम्हें लगता है कि स्पिरिट आ गई है, अब मुझे सवाल पूछने चाहिए, यही कह रही है ना? ऐसे बोल स्प्रिट, प्लीज टॉक टू मी। स्प्रिट, ये स्प्राइट पीता था क्या? अरे यार मत कर कौशिक, तो लो सर स्प्रिट। स्प्रिट प्लीज टॉक टू मी, अगर आप उधर हो तो प्लीज मुझसे बात करें इस पेपर पे, या तो अपना खून का धब्बा लगा दें या कोई साइन वाइन कर दें, स्टाम्प पेपर मार दें, कोई निशानी दे दो सर प्लीज, आपका एक सिग्नेचर हो जाए सर, अपने ऑटोग्राफ इस पेपर पर दे। स्प्रेड प्लीज टॉक टू मी, मेरी क्रश के जैसा मत करो, मुझसे बात नहीं करती। मेरा खुद भी वो होगा, स्प्रेड मेरे अंदर आ रही है, चेक मेरे टू माय स्प्रेड। शांत हो जाओ, ठीक है ठीक है। गंडक स्प्रेड कौशिक, हाथ तो जोड़ ले। जय श्री राम स्प्रिट बाबा। अंदर लगे स्प्रिट, फिर मुड़ा है पेपर। अरे मुड़ क्यों जा रहा है यहाँ से? तूने कहा ना कि कुछ तक तो अपना बाल, इसमें बाल है, स्प्रिट ने कहाँ का बाल भेजा है?
मुझे लग रहा है अपनी आईब्रो का बाल भेजा है, मतलब स्पिरिट है। इससे उन्होंने बोल दिया कि मैं हूँ इधर, स्पिरिट हूँ मैं। अगला सवाल, इस बाल को हटा दें, कभी अगली बार बोले बाल ही है। क्या आप लिखूं? लिख स्प्रिट, हाउ डिड यू डाई? तू बताएगा कैसे? वो भी नीचे लिखेगा, चिट्ठी लिखेगा वो भी उधर से। अब लिखा कैसे? पेंसिल उधर ही फेंक दूं उधर? अरे हिंट ही तो दे रहा कुछ ना कुछ करके। मैं सोचा मार कर पकड़ाया था, उधर से लिख देगा। अरे यार छोटी पेंसिल डाल दे इसके नीचे चली जाएगी। क्या पूछ के जा, जा पूछ के उससे। सब देख ले, निशु बाल वाल कुछ नहीं इसके ऊपर। कोई बाल ने बोले बाल है ये गए पेपर आ। अरे उधर से सवाल तो दिखेगा ही नहीं ना। अच्छा सवाल तो अभी हम गलत भेज रहे थे, हम सवाल भेज रहे फिर लिखेंगे कहां सर? कर ले तू, तो इसे समझ नहीं आ रहा। स्प्रिट अपना कुछ निशानी विशानी छोड़ो, कैसे मरे थे आप? बुरा है, इसमें थूक है थोड़ा सा। गीला है कौशे, गीला है वो। पानी में गिर के मरे होंगे सर। हेलो आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, यार टू मच रेनिंग। स्पिरिट सर आप अंडर द वाटर हो? अभी आ गया ना तो तब तेरे को पता चलेगा। तो अब मतलब क्या है कि स्पिरिट आ गई उधर? हाँ। पक्का है कि ना? गेट खोल के देखें? नहीं खोलते नहीं गेट, उसको बोल जाने को। मुझे नहीं लग रहा कि स्पिरिट आई होगी। हेलो स्पिरिट, कुछ भी नहीं है। अपने घर पे क्या करी है सब चीजें? कहाँ है स्पिरिट? कहाँ है स्पिरिट? स्पिरिट गो बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जा घर तक छोड़ के जा सर। ये है हमारा थर्ड रिचुअल, और मैं तेरे को एक चीज बता दूं, ये अब तक का सबसे माने जाने वाला रिचुअल है, और सबने ये बोला है कि इस रिचुअल में बहुत सारे लोगों को चीजें दिखी हैं। ठीक है, ये रिचुअल है चार्ली चार्ली रिचुअल। ये मैंने बहुत सुना है। इस रिचुअल के लिए हमें छत पे जाना होगा, ये घर में नहीं होता। ओके ठीक है, इसमें तुझे चाहिए दो पेंसिल और फिर से एक पेपर। Okay. और तुझे पेपर पे चारों तरफ यस नो लिखना है। और उसके बाद तुझे चार्ली से सवाल पूछना है। चार्ली चार्ली आर यू देयर? अगर चार्ली वहाँ पे होगा तो क्या करेगा? चार्ली वहाँ पे होगा तो तुझे पेंसिल की मूवमेंट दिखेगी, पेंसिल ही लेगी। हाँ। तो गाइज ये पेपर, ये दो पेंसिल और मार्कर लेकर हम आ गए हैं अब चार्ली चार्ली रिचुअल करने के लिए छत पे, जैसे कि उसमें निशु जी ने हमें बताया। ओके अभी क्या करना है मुझे? अब तुझे बोलना है चार्ली चार्ली आर यू देयर, और ये तीन बार बोल। ठीक है, और पेंसिल हिलेगी। भाई कुत्ते भौंक रहे हैं। तो कुत्ते तो भौंकेंगे, उनका काम है। कोई चार्ली कुत्ते बैठ कहेगा क्या? नहीं, जब ना कुत्तों को कुछ वैसे रात को दिखता भी ना तो वो बहुत ज्यादा भौंकने लगते हैं। यार तुम डरा मत, ये सब डरा नहीं रही यार। चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली। ये पेंसिल छिली हुई नहीं है क्या, पता इसकी वजह से दिक्कत हो जाए? यार ऐसा थोड़ी होता है। ओ पेपर थोड़ा सा कलर बदला है ना, पेपर का कलर बदला है ना, पेपर का कलर। ये देख, ये देख, ये देख कलर बदला है। कलर नहीं बदला, उसमें मिट्टी लगी है। कुछ भी अगर कोई भी चीज चेंज हो गया मतलब कुछ ना कुछ तो हिंट है ना, कुछ ना कुछ तो बताने की कोशिश हो रही है ना। ले क्या बेवकूफाना हरकत है, ले ले पूरी पेंसिल वो कर दी। क्या कहीं है ही नहीं चार्ली? भाई इन रिचुअल से मुझे लग चार्ली चुर्ली आए ना आए तुझे सोसाइटी से बाहर जरूर कर देंगे रात को लोग। मेरे को अभी भी लग रहा है कि वो जो निशान पड़े उससे कुछ हिंट है। तू एक काम कर, सवाल पूछ। क्या पूछना? ऐसे बोल कि चार्ली अगर आप यहाँ हो और आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे कुछ हिंट दो। चार्ली जी अगर आप इस जगह पे मौजूद हो, आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं मौजूदगी है इस छत पे। तेरी बात मुझे नहीं समझ आ रही, किसी भूत को कैसे समझ आएगी। ठीक है चार्ली जी अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज कुछ ना कुछ हिंट दें, जैसे कि निशु को धक्का दे दे छत से नीचे। छोटा हिंट दे दे, निशु जी को धक्का मत दे, पेंसिल वेंसिल हिला दे, कुछ भी छोटा मोटा हिंट दे दे ताकि हमें लगे आप यहाँ हो और हम समोसे वगैरह मंगाएं आपके लिए। समोसे नहीं मंगाएंगे, आप यहाँ हो ये हिंट दे दो चार्ली जी प्लीज। चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर। चार्ली निशु के साथ व्लॉग बनाओगी? अलैकुम अस्सलाम। चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली। अरे यार फूंक मार रहा है, पागल है क्या? मैं ही चार्ली हूँ। भाई चार्ली चुल्ली ना है कुछ, ये लोग ना साले मुझे समझ गया पीछे से भूख मार देते होंगे ऐसे। ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके निशु, मान जा। भाई लास्ट वाला और देख लेते तेरा। गुड बाय बोल दे यहीं पे पहले। चार्ली जी आप जाइए, ऐसे नहीं, ठंड बहुत है। वी गुड बाय यू,
चार्ली वी गुड बाय यू, वी गुड बाय यू। चार्ली जी आप चले जाओ यार, दिल्ली बहुत ठंड है, आप बढ़िया जैसलमेर घूमो, उधर थोड़ा ठीक मौसम है अभी। ये जो रिचुअल है ना गाइस, ये बहुत ही ज्यादा फेमस रिचुअल है। ये रिचुअल मतलब इतना फेमस और इतना खतरनाक है, ये लोग अपने घर पे कभी ट्राई भी नहीं करते। इस रिचुअल को करने के लिए जाना ही हमको घर से बाहर पड़ता है। okay. जहाँ पे चार राहें मिलती है, चौराहा होता है, चौराहे पे करना पड़ता है। हाँ, और है। इस रिचुअल का नाम है टिसूजी उरा रिचुअल। सूजी बुरा, तू पागल है, क्या नाम है? रुक जा, हवाई जहाज जाने, चार्ली प्लेन से निकल लिया जैसे हमने पाए करा उसको। तुझे अपने साथ लेके जानी है एक कॉम्ब, कंगी, हाँ, और एक रेड क्लोथ, लाल कपड़ा, ठीक है, ठीक है। फिर चौराहे पर जाकर तुझे कॉम्ब को ना ऐसे स्लाइड करके, उसको बजाते ही नहीं है, हाँ हाँ। उसकी आवाज निकालते हैं, और तीन बार बोलना है सूजी उरा ग्रांट मी अ टू रिस्पॉन्स। और लाल कपड़े क्या करना है? टाई बना लेनी है। लाल कपड़े क्या करना है? अगर तुझे कोई भी हलचल हल्की सी भी महसूस होती है, तुझे जल्दी से अपने उस लाल कपड़े को अपने मुंह पे रख लेना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर हमने अपना मुंह नहीं ढका तो ये स्प्रिट ऐसी है जो हमारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती। सूजी बुरा, सूजी उरा, सूजी उरा। अब मजाक करा तो तेरा बुरा बना दूं। तो गाइस रात के 2 बजे हम निकले हैं चौराहे की तलाश में। इतना धुंध पड़ रही है कि हमें चौराहा भी नहीं दिख रहा कोई, इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है ना, मुझे लग रहा है भूत से हमारी हालत टाइट होना हो, ठंड जरूर हो जाएगी आज। भाई अगर किसी ने पकड़ा और पूछा ना, हाँ। क्या कर रहे हो, हाँ। तो पता है क्या बोलना है? सूजी बुरा से बात नहीं, बोल दो कि न्यूज वाले हैं और सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो कवर करने आए हो उसको। ओके, रात के 2 बज रहे हैं और हम दो पागल लोग यहाँ पे सूजी बुरा खेल रहे हैं। मेरे को तो ठंड भी बहुत लग रही है। तो मुझे ये लाल कपड़ा मुंह पे डाल लेना, हाँ, कि ताकि से वो तेरे को ना देख पाए, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, हाँ। ठीक है, पर गाइस अगर मुझे किसी ने ऐसे करते हुए देखा लाल कपड़ा तो मैं तो बच जाऊंगा, पर दो चार लोग ठुक जाएंगे मुझे भूत समझ के। भाई चल यार जल्दी कर, तू जा जा, मैं इधर साइड में हूँ। सूजी उरा गिव मी अ ट्रू रिस्पांस। गलत नहीं बोलना, ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पांस। ओके ओके ओके, दादा सूजी उरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पांस। सूजी उरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पांस। सूजी उरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पांस। गाड़ी की आवाज आ रही है। अब तो रोड है तो गाड़ी की तो आवाज आएगी यार। भाई तेरे को कुछ भी अटपटा लगे ना तो मुंह पे कपड़ा बांध लियो जल्दी। मुझे तो लग रहा है कपड़ा रुक ही नहीं रहा मुंह पे। पर भाई एक अबे सूजी उरा मुझे कपड़ा तोड़ने दे। अबे भाई मेरे मुंह से कपड़ा क्यों उतर जा रहा बार-बार? अबे सब बकवास है यार, कुछ नहीं है ये सब सूजी उरा। बिल्ली कोशिक, बिल्ली 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 कोशिक, बिल्ली बिल्ली भी ना आएगा अब समाज में। तो गाइस ये सूजी उरा उरा कुछ नहीं होता, इससे बढ़िया आप 1 किलो सूजी और 1 किलो बुरा मंगाओ और ठंड में बढ़िया बढ़िया गर्म हलवा खाओ सुबह सुबह चाय से, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये सब चीज जो है ना लोग फैलाते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित से लोग भी ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जो क्या करते हैं, बाल आ गया, लहसुन आ गया, तो ये सब कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारा वहम निकाल दिया बिल्कुल जेन्युइन वीडियो बना के। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस पे 1 लाख लाइक करो, फिर मैं वो एलिवेटर रिचुअल वाली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय। मैं बिल्कुल नहीं डरता। सूजी उरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पांस।